हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और फ्रेश वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें हम लोग पूरे साल भर की इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे और आगे और भी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे जो भी फर्दर वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जनवरी कि इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर फरवरी की, ऐसे मंथली वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है जनवरी की। तो जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहला है वो है वर्ल्ड ब्रेल डे, जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है। एनआरआई डे, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी डे, जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, और उसी ही दिन नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इतनी डेट्स हैं जनवरी से लेके। अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं तो इसको ट्रिक के थ्रू याद कर लीजिए, लेकिन आपको ट्रिक भी याद रखनी होगी और ये डेट्स भी याद रखनी होगी। तो अच्छा रहेगा कि आपकी कॉन्सेप्ट वाइज चलिए और आप इसको सीधे सीधे वे में इन चीज़ों को याद रख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फरवरी में। फरवरी का देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जो कि 1 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेट लैंड्स डे, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे, जो कि 24 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे, जो कि 27 फरवरी को मनाया जाता है। और नेशनल साइंस डे, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी साल एसएससी के एग्ज़ाम में नेशनल साइंस डे पूछा गया था कि कब मनाया जाता है, तो ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट हो गए वो हो गया कि वर्ल्ड कैंसर डे सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, नेशनल साइंस डे, वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे इंपॉर्टेंट। जो ये क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो भी प्रेजेंट में जो भी न्यूज़ हाइलाइटेड होती है उसी से संबंधित अगर कोई डे बनाया जाता है पूरे ईयर में, तो वो डे उठा के आपसे पूछ लेते हैं, या फिर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपसे एग्ज़ाम से पिछले 1 से 2 महीने तक के इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाते हैं। वैसे तो पिछले 6 महीने का आपको पूरा 1 साल का याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर नहीं हैं, लेकिन पिछले 1-2 महीने के पूछ लेते हैं, ठीक है। अब मार्च का देख लेते हैं। तो मार्च में आपका है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे, जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्टी डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। इस मार्च में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो लग रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड फॉरेस्टी डे, क्योंकि अभी अमेज़ॉन के जंगलों में आग लगी हुई है, तो इससे संबंधित ये जो डेट है इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और जो बीमारियों से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं, अभी वर्ल्ड कैंसर डे अभी आपने देखा ऊपर, और यहाँ पे वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, तो जो बीमारियों से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। और जो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेट्स होती हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। आगे अप्रैल में, अब अप्रैल का देखें तो नेशनल मैरीटाइम डे, जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेशनल पंचायती डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका हेल्थ डे, हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसी साल जयपुर को, जिसको हम लोग पिंक सिटी कहते हैं, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, तो उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे, नेशनल पंचायती डे, वर्ल्ड मलेरिया डे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसमें से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। आगे चलते हैं मई की इम्पोर्टेंट डेट्स में।
तो मई की इम्पोर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आता है प्रेस फ्रीडम डे, ये इम्पोर्टेंट है, 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो कि 8 मई को मनाया जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मदर्स डे मई के सेकेंड संडे को हमेशा मनाया जाता है, तो सेकेंड संडे में जो भी डेट पड़ेगी हर साल उस डेट को मनाया जाएगा। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई को मनाया जाता है। एंटी टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। एंटी टोबैको डे, आपका प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं इसमें। अब जून में आ जाते हैं, जून में आपका है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फादर्स डे जून के थर्ड संडे को हमेशा मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, इसमें आपका योगा डे, एनवायरनमेंट डे, फूड सेफ्टी डे, ब्लड डोनर डे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं जुलाई, जुलाई में आपका है, पहले यहाँ का देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कारगिल विक्ट्री डे, कारगिल विजय दिवस जो कि आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अगस्त का देख लेते हैं, अगस्त में क्या दिया हुआ है, हिरोशिमा डे जो कि 6 अगस्त को मनाया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट और नागासाकी डे, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम्बार्डिंग हुई थी और नागासाकी पे 9 अगस्त को हुई थी, इसलिए इन दोनों डे को, हिरोशिमा डे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाया जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है इसमें। सितंबर के इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, सबसे पहले है टीचर्स डे जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी डे जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे भी होता है। वर्ल्ड टीचर्स डे जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस समय इनकी स्थापना हुई थी अपने भारत में। नेशनल पोस्ट डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर को स्थापित हुआ था। अगला चलते हैं अक्टूबर के बाद नवंबर, तो नवंबर में आपका सबसे पहले है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो कि 8 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे जो कि 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड निमोनिया डे जो कि 12 नवंबर को मनाया जाता है। डिजीज़ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नवंबर में 2 और इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि चिल्ड्रन डे 14 नवंबर और 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है, ठीक। अब आ जाता है साल का आखिरी महीना दिसंबर, इसमें सबसे पहले है वर्ल्ड एड्स डे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी डे, जो लोग एयरफोर्स की नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनको आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे पता होना चाहिए और इनके जो कमांड्स होते हैं वो पता होने चाहिए, और नेवी की कौन सी पोस्ट एयरफोर्स की कौन सी पोस्ट के बराबर होती है या फिर आर्मी के कौन से पोस्ट की बराबर होती है ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। वर्ल्ड सॉयल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेशनल कंज्यूमर राइट डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वीडियो को देख के सुन के जितने तेज़ी से याद होता है, उतना आप अपने आप पढ़ के उस चीज़ को अच्छे से याद नहीं कराएंगे, इसीलिए वीडियोस को ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। तो एक बार वीडियो को पूरी देख लीजिए, और अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ब्लॉग बनाऊँ जिसमें आपको ये सारी चीज़ें लिख के प्रोवाइड कर दूँ। तो अभी तो वीडियो के नीचे शायद ना मिले, लेकिन वीडियो को जब 1 से 2 दिन बीत जाएंगे तो आपको वो ब्लॉग का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया होगा। आप पसंद किया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस डेटा को शेयर करें, एक तरीके से वीडियो को शेयर करें कि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो सके, वो भी इस चीज़ की तैयारी अच्छे से कर सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए अलविदा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।